हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फूड आर्ट एंड लिविंग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय होम टाउन रेसिपी बेसन और पिटला। ये एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है, तो उसके लिए क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। सो उसके लिए हम लेंगे 1 स्मॉल ओनियन, 2 चॉप टोमेटोज, 9 to 10 स्मॉल चॉप ग्रीन चिलीज, 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक एंड 1 टेबलस्पून लेमन जूस। देन 1 कप सिलेंट्रो कोरिएंडर, 1 कप ग्राम फ्लावर, देन 2/3 कप ऑयल, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, देन 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर एंड 6 कप्स ऑफ वाटर। सो स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा बाउल लेंगे, उस पे हम 1 कप ग्राम फ्लोर उसे डालेंगे, उसमें 6 कप पानी मिला लेंगे, बैटर को अच्छे से मिला लेंगे ताकि कोई लम्प्स ना रहे उसमें। यहाँ पे मैंने 6 कप पानी लिया है बेसन भिगोने के लिए। अच्छे से मिला लीजिए उसे। ये एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है, तो महाराष्ट्र में इसे हर जगह बनाते हैं इसे, भाकरी रोटी या राइस के साथ खाते हैं। सो टेक अ पैन, उसमें 2/3 कप ऑयल डालिए एंड उसे हीट होने दीजिए। उसके बाद क्यूमिन सीड्स और मस्टर्ड सीड्स डालिए, कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए इसे होने दीजिए। उसके बाद हमें डालना है गार्लिक क्लॉव जिसे हमने चॉप कर लिया है, देन ऑनियंस। आप इसमें स्प्रिंग ऑनियंस भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने रेड ऑनियन यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए तो जो आसानी से आपको मिले हैं मिलता है आपके मार्केट में वो यूज़ कीजिए। देन आपको ग्रीन चिलीज डालने हैं, फिर टोमेटोज, और अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट्स तक होने दीजिए, और ओकेजनली आप इसे स्टर करते रहिए ताकि ये जले ना। आप ऑयल अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 2/3 कप ऑफ ऑयल लिया है क्योंकि बेसन में ऑयल ज़्यादा ही डलता है। स्टर कीजिए फिर से उसे। आप इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा सिलेंट्रो या कोरिएंडर लीव्स डालेंगे हम इसमें, देन टर्मरिक पाउडर, अच्छे से मिला लीजिए। हम इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डाल रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्रीन चिलीज 9 to 10 यूज़ किए हैं, स्मॉल ग्रीन चिलीज़ यूज़ किए, बड़े नहीं। और ग्रीन चिलीज़ आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं क्योंकि कितनी तीखे हैं। देन उसमें बैटर मिक्स कर दीजिए, स्टर कीजिए और उसे 35 to 40 मिनट्स तक आप उसे मीडियम फ्लेम पे ढक के लीड कवर करके उसे धोने पकाए, कुक कीजिए।
उसमें सॉल्ट ऐड करना है अपने हिसाब से एज पर योर टेस्ट, और उसे ढक दीजिए और 40 मिनट्स तक होने दीजिए। और बीच बीच पे आपको उसे स्टर करते रहना है। इसे गरम गरम ही खाइए, ये गरम बहुत अच्छा लगता है। और आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए। आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करेंगे ताकि मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद हमने लेमन जूस ऐड किया है और सम सिलेंट्रो ऐड किया है उसमें, और अच्छे से स्टर कीजिए इसे और देन कवर द लीड एंड कुक इट फॉर रिमेनिंग जितना बचा है 40 मिनट्स हमको इसको कुक करना है। देन आफ्टर 40 मिनट्स सिलेंट्रो या कोरिएंडर लीव्स से उसे मिक्स करके अच्छे से सर्व कीजिए। आपका ये बेसन ये पिथला रेडी है, सो एंजॉय कीजिए इसे रोटी भाकरी और ज्वारी भाकरी और किसी के साथ भी, राइस के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी। सो एंजॉय, थैंक यू सो मच।